जनरल में तो जगह ही नहीं बैठने का, घुस के देखना पड़ेगा भाई। अंकल की सीट पे आ जाओ 2 मिनट के लिए। अभी सबसे पहले चाय, फिर आगे का देखते हैं क्या करना है। मैं इस समय हूँ दिमापुर रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से मैं निकल जलपाईगुड़ी, जो मतलब मैं रुकता यहाँ पे दिमापुर और भी मतलब कुछ 1 वीक तक। और भाई यहाँ पे मैक्सिमम बारिश ही हो रहा है, मैंने अभी चेक किया है वेदर, मैक्सिमम 1 वीक तक वही दिखा रहा है बारिश। ताकि मेरी ट्रेन तो जो थी 4:15 की थी और अभी बज रहे हैं भाई 5:20, अभी और डिले है ट्रेन 5:20 भी आएगी। और देख रहा हूँ यहाँ से, मतलब जब मैं आया था नॉर्थ ईस्ट तो भीड़ तो उतनी नहीं थी ट्रेन, और अभी जाते समय देखता हूँ कितना भीड़ रहता है। हालांकि प्लेटफॉर्म पे भीड़ है पर उतना नहीं है। मैं कर रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट को बाय बाय, आने का बिल्कुल ही इच्छा नहीं हो रहा है, पर जाना पड़ेगा क्योंकि ये बारिश छोड़ नहीं रहा है भाई। बारिश की मैं पूरी तैयारी से यहाँ पे आया नहीं था और बाकी सब चीज़ों की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है बारिश में। मैं क्योंकि मुझे नहीं पता था कि नॉर्थ ईस्ट में मई के महीने में इतने बारिश होंगे, तो मैं बाकी सब तैयारी के साथ आया था पर बारिश का मुझे कुछ आइडिया नहीं था। तो गाइस फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है, आप भीड़ देख सकते हो। जनरल में तो जगह ही नहीं बैठने का, पर घुस के देखना पड़ेगा भाई। भाई बहुत ज्यादा गर्दी है यार ट्रेन के अंदर। काफी सालों बाद मैं जनरल बोगी में सफर कर रहा हूँ, मजा भी आ रहा है और दिमाग का वो भी हो रहा है भाई, आप समझ सकते हो। सन्नी भाई से मिलकर अच्छा लगा। हालांकि मेरा ये सफर सुबह तक का होने वाला है, सुबह 7 बजे तक मैक्सिमम ये ट्रेन छोड़ देगी, आई होप छोड़ देगी। ऑलरेडी ये 1 घंटा डिले चल रही है और पता नहीं कि वहाँ पहुँचते पहुँचते ये कितना घंटा और डिले हो जाएगी। और मैं दिखाता हूँ आपको जनरल बोगी का क्या हाल है अभी। पानी मतलब जितना होना चाहिए उतना से तो कम है। नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा कम ही होता है ट्रेन में भीड़, पर मुझे लग रहा है कि मैं जैसे मैं आसाम पार करूंगा गुवाहाटी, उसके बाद जो इसका कंडीशन में, हालांकि आसाम रात में मैं पहुंचूंगा तो पता नहीं वहां पे क्या सीन रहेगा। लेकिन लोग बोले कि आपको अभी कम भीड़ मिलेगा, आसाम के बाद आपको सबसे ज़्यादा भीड़ मिल सकता है गुवाहाटी आसाम के बाद। तो भाई तब का मैं देखा अगर जगह रहा, हालांकि सो तो बिल्कुल ही नहीं पाऊंगा इस सीट पे, सीट तो है नहीं, मैं ड्रम पे बैठा हुआ हूँ, रात में जगा ही रहूँगा। तो फर्स्ट टाइम मैं ये कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा भी हो रहा है, काफ़ी नए नए लोग से मिला हूँ, क्योंकि स्लीपर में जो लोग मिलते हैं वो अलग ही होते हैं और जनरल में जो लोग सफ़र करते हैं वो बिल्कुल ही उनसे अलग होते हैं। कुछ लोग नए आए हैं बोगी में, अभी ऐसे ही लोग उतरना चढ़ना तो जनरल में लगा ही रहता है। अरे न्यूज में डालेगा, न्यूज में चाय वाला के वीडियो डाल दो आती पर। न्यूज में डालेगा, न्यूज में डालेगा, बोल जी गौरव बोल। भाई मैं दब चुका हूँ रास्ते में बैठ के, अभी आ चुका है गुवाहाटी और गुवाहाटी में जो भीड़ चढ़ी है भाई मैं कह नहीं सकता अभी क्या कंडीशन हो रखा है हमारा। बस एक रात की बात है, दिक्कतें हैं। यहाँ से मैं निकल जाऊँ सुबह 7 बजे तक का बात है भाई, लोग बहुत आ रहे हैं। थोड़ी देर में बस पंगा होने वाले गाइस। मैं हालत खराब हो गया भाई, मैं बस सुबह तक कैसे भी यहाँ पे गुजारू। ये भाई लोग का ग्रुप आया है, पूरा तहलका मचा के रख दिया है यहाँ पे। फाइनली वो सेट हो गए हैं तो माहौल अभी ठंडा हो जाएगा। लड़ाई खत्म नहीं हो रही अभी तक, इनका तो अलग ही चल रहा है भाई। उतर जाओ, लेकिन ज्यादा मत भाई। हेलो 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 यार, हल्ला नहीं, आराम से सब आइए पड़ जाता है भाई। इनको काका बुला रहे, बैग बैग
ये बुला रहे वो बैग पूछ रहा है वो। अच्छा बैठे हुए उनके बैग पे बैग को वो बना लिए कुर्सी। ये रहे उनकी मम्मी। फिलहाल में हम दीमापुर और असम से काफ़ी आगे निकल गए। इस समय थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई है और लोग काफ़ी मतलब कम से कम एक बोगी में हजारों की संख्या में लोग हैं। मैं गिनती भी नहीं गिन सकता भाई कितने लोग बैठे हुए। मतलब अगर चार चार की सीट होते हैं, जैसे ये चार चार की सीट है, तो मैक्सिमम छः जन इस पे, छः जन इस पे, दो जन नीचे सोए हुए हैं। देख लो लोग कैसे सोए हुए हैं। पूरा ब्लॉक है, इधर भी पूरा ब्लॉक है। लोग बाथरूम तक नहीं जा पा रहे हैं यहाँ पे बैठ के। और जनरल का बहुत ही हालत ख़राब है भाई। इनको हम मम्मी को बोलूँगा कि नेक्स्ट स्टॉप पे कैसे करके ये रिजर्वेशन में चला जाए, वहाँ पे फाइन मार ले, टीटी से बात कर ले, ताकि ये बच्चे के साथ वो अच्छे से सफ़र कर पाए। यहाँ पे लोग आना जाना ऐसे करते हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं यार। थोड़ा सा भी गलती से कोई पैर हाथ इस पे रख दिया ना, तो उनके पैर हाथ टूट सकते हैं। यहाँ पे होने वाला है दंगल वापस से। मतलब अलग ही चल रहा है भाई जनरल बोगी में। हर 5 मिनट बाद लड़ाई हो रही है। अंकल की सीट पे आ जाओ, दो मिनट के लिए इधर बैठ जाओ। दीदी आप बैठ जाओ वहाँ पे, बैठ जाओ वहाँ पे, अंकल के पास बैठ जाओ। आ जाइए, हो गया महाभारत खत्म। अब नेक्स्ट एपिसोड एक कॉमेडी शो हो रहा है। अच्छे से जाना दिल्ली, ठीक है। बच्चे लोग को कैसे भी करके उनके मम्मी को रिक्वेस्ट करके हमने उनको स्लीपर में बैठवा दिया है। वहाँ पे जगह अच्छी थी भाई। बारिश तो अभी भी साथ नहीं छोड़, मतलब पीछा नहीं छोड़ रहा है हमारा। बारिश अभी तक पूरे रास्ते से लेके अभी तक इतना तेज़ बारिश हुआ है और अभी भी बारिश इतनी तेज़ हो रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि मतलब ये बारिश मेरा पीछा छोड़ने वाला है, पर देखता हूँ मैं अपने स्टॉप पर उतर के क्या कंडीशन रहता है वहाँ का। सुबह 7 बजे तक मुझे उतार देगा। कुछ लोग अभी भी जग रहे हैं, बेचारे के पास जगह नहीं, वो सो नहीं पाएंगे क्योंकि खड़े हैं। जनरल का सफ़र भाई ऐसे ही होता है। और मैं भी पता नहीं जो जोश में मैं भी अंदर घुस गया था, पर ठीक है मेरा तो मतलब 6 घंटे का सफ़र तो कोई दिक्कत नहीं था। मैं दिन में अच्छे से रेस्ट भी किया था, तो मुझे रात भर जगना है। मैं सुबह जाते ही सबसे पहले सोऊँगा, उसके बाद देखूँगा नेक्स्ट क्या करना है। स्टॉप पे पहुंच गए सुबह 6 बजे और अभी भी भीड़ भाई बहुत ज़्यादा है ट्रेन में। उधर नहीं तो काका फिर बैठ जाना। फाइनली न्यू जलपाईगुड़ी में पहुंच चुका हूं भाई। बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था, मतलब मेरा नहीं, बाकी के लोग जो अंदर बैठे हुए, छोटे छोटे बच्चे लेके बैठे हुए थे, हज़ारों की संख्या में लोग थे। पर आपके पास सच में अगर बच्चे उच्चे हो तो आप जनरल में बिल्कुल ट्रैवल मत करो, बहुत ही गंदा होता है यार बच्चों के लिए। क्योंकि मैं कम से कम 4 घंटे मैंने उस बच्चे को संभाला अपने पास, उनको रिक्वेस्ट करके फिर मैंने उनको स्लीपर में भेजा कि जाओ आप वहीं पर बैठो, क्योंकि मैं 1-2 घंटे में उतर जाऊँगा। हालांकि मेरे ट्रेन जो थे 1 घंटा ऑलरेडी दीमापुर में लेट था। मैं सबसे पहले बाहर जाता हूँ, चाय पीता हूँ, फिर सोचता हूँ आगे क्या करना है। अभी बिल्कुल ही दिमाग नहीं काम कर रहा है। भीड़ में से निकल के पूरा रात मैं भी बैठा हुआ था, हालत मेरी भी ख़राब हो गई थी भाई। तो अभी सबसे पहले चाय, फिर आगे का देखते हैं क्या करना है। स्टेशन तो काफ़ी भीड़ भाड़ वाली है भाई, काफ़ी सारे लोग हैं स्टेशन पर यार, आप देख सकते हो। सबसे पहले चाय, उसके बाद कुछ और। वो रात चाय